स्वागत है आप सभी का द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क में। इस वक्त हमारी फोर्थ स्टेट की टीम पहुंच चुकी है जगती माइग्रेंट टाउनशिप में, यहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहाँ पर मेरे साथ यहाँ की कोविड की सिचुएशन को लेकर बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिला कोल जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं और ऑक्सीजन को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है उसको लेकर इनका क्या कहना है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी ऑक्सीजन की। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज हर जगह पे ऑक्सीजन जो है उसको लेकर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है, तो यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से क्या प्रबंध किए गए हैं ऑक्सीजन को लेकर? देखिए, कोविड की तैयारी तो बहुत पहले से हमने की हुई है। हमारे पास सफिशेंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जो किसी भी इमरजेंसी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास फिल्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं, सो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फुली। साथ ही मैम मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे वैक्सीनेशन को लेकर। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि फर्स्ट ऑफ मई से जो है 18 प्लस से ऊपर जितने भी लोग हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा, तो उसको लेकर यहाँ पर क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, वैक्सीनेशन तो काफ़ी देर से चालू है यहाँ पे। प्रबंध हर एक एज ग्रुप के लिए प्रबंध होता है। इनफैक्ट अगर हम सीनियर सिटीजन जो बियॉन्ड 80 हैं, जो विद कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हम अगर उनका वैक्सीनेशन मैनेज कर सकेंगे तो अबाउ 18 का तो उससे आसान ही होगा। तो जैसे ही वैक्सीन हमें अवेलेबल हो जाता है तो वी विल स्टार्ट इट। एक इस वैक्सीनेशन को लेकर ही एक और सवाल मेरा, जिस प्रकार से अभी एक दो दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल 18 प्लस जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन अभी नहीं होगी, उनका थोड़ा टाइम लगेगा जी। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डिसीजंस होते हैं, हमारे हेड ऑफिसेज के हैं, वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। हमें जैसे ही ऑर्डर आएगा वी आर रेडी। होगा तो सही, ये तो प्लान है कि वी हैव टू वैक्सीनेट ऑल ग्रुप्स, तो एज सून एज वी रिसीव द ऑर्डर्स वी आर रेडी फॉर वैक्सीन। फिलहाल क्या यहाँ पर सिर्फ 45 प्लस का ही वैक्सीनेशन हो रहा है अभी? जैसे सब जगह हो रहा है वैसे ही 45 के अबव भी हो रहा है, 60 के अबव भी हो रहा है। कईयों के सेकेंड डोजेज हैं, कईयों के फर्स्ट डोजेज चल रहे हैं, तो वी आर डूइंग इट। मैम एक और चीज़ जो आप यहाँ पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार से अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाए, किस प्रकार से इस वायरस से बचा जा सके, इसे कंटेन किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर एक पॉजिटिव मैसेज आपसे चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर। देखिए, आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारे जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन करते हैं, और काफ़ी देर से ये चालू है। पहले तो हमें पर्सनल प्रोटेक्शन करनी है, सबसे पहले हमें पर्सनल हाइजीन के एथिक्स एटिक्वेट्स आने चाहिए और वेयरिंग अ मास्क। और चूंकि ऐसा देखने में आया कि जो इस समय इंडिया में वायरस है ये डबल म्यूटेंट वायरस है, ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है, ज़्यादा इसकी लिथैलिटी ज़्यादा है, तो प्रेफरेबली हमें डबल मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग यूज़ करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, और अगर कहीं भी कोविड पॉजिटिव आ रहा है उसको परफेक्ट होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। वो एडिक्वेट्स हमें विच वी से कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर वो हमें मेंटेन करना चाहिए, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, फुल ऑफ विटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, वार्म फ्लूइड्स लेने चाहिए, गुड न्यूट्रिशियस डाइट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर अनिला कोल, जो यहाँ पर सब जो हॉस्पिटल है वहाँ की मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। इन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको लेकर इनके पास पूरा स्टॉक है, ऑक्सीजन की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। इसलिए आप लोगों से भी अपील है कि रूमर्स पर मत जाएं, बात करें अपने आस पड़ोस में बात करते रहें, अपना ध्यान रखें, और प्रॉपरली जैसा मैडम ने बताया कि अपना पर्सनल हाइजीन जो है उसे मेंटेन करके रखें, मास्क वियर करें, और सबसे बड़ी बात अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूट्रिशियस फूड खाएँ। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो अपना टेस्ट करवाने आए थे।
इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस प्रकार से फैसिलिटीयां उनको यहाँ पर मिल रही हैं। आप यहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाने आए थे? हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर टेस्ट कराने आया था, कुछ घर में एक पॉजिटिव केस आया था जी, तो उसको देखते पूरी फैमिली ने हमारा पूरा टेस्ट करवा लिया, तो उसीलिए हम यहाँ आए। तो और फैसिलिटी भी प्रॉपर है, प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है, वो तो इस टाइम आप देख रहे हैं कि वो तो करना ही पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी वैसे प्रॉपर चल रही है। ठीक है, तो बाकी आइसोलेशन को लेकर क्या चीज़ें हैं, जैसे आपकी फैमिली में जो पॉजिटिव आए हैं उनको लेकर क्या चीज़ें, आइसोलेशन कैसे किया जा रहा है? आप जैसे टेस्ट नेगेटिव आती है, हमारी मॉरल राइट एक है, मॉरल ड्यूटी भी है कि आइसोलेट, जैसे आपको अगर किसी का भी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इनकेस कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो सेल्फ आइसोलेट कर दो खुद को, सबसे बेटर ऑप्शन वही है, क्योंकि ऐसे मेजॉरिटी केसेस में घर में ही हम ठीक हो सकते हैं। नॉर्मल मेडिकेशन जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे वो ले लीजिए, अब घर में ही सारे, जैसे मेरी फैमिली में सारे इस टाइम नेगेटिव केसेस आ गए हैं, तो बेटर है कि सेल्फ आइसोलेशन, जो कि आप हॉस्पिटल में चक्कर काटेंगे, जो वहाँ डिजर्विंग होगा उसको नंबर ना मिलकर, हो सकता है आपको अंदर जाना पड़े, अंदर जाएंगे, तो बेटर है कि सेल्फ आइसोलेशन मेन है जी। तो यही एक और चीज़ मैं एज ए मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी आप सिम्टम आपको लगे या कहीं भी आप कॉन्टैक्ट में आए हो अनोइंगली, बट आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, टेस्ट करना चाहिए, और जितना हो सके उस कुछ पीरियड के लिए खुद को आइसोलेट करें। थैंक यू। हम सब की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हम लोगों को अगर कोई भी सिम्टम आता है तो टेस्ट वगैरह करवा लेना चाहिए, ताकि इस वायरस को वहीं पर कंटेन किया जा सके। आप बने रहें द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जय हिंद।